तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। स्पेसिफिकली कल हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी वो ऑर्गन्स जो सर्कुलेटरी मतलब है सर्किल, गोल घूमना, एक एक पर्टिकुलर रास्ते पे, वे में कोई चीज घूमना, इसको कहते हैं सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब वो ऑर्गन जो आपके बॉडी के अंदर कोई चीज को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसको हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्या घूमता है बॉडी में? दो चीजें घूम सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक है ब्लड और एक है लिम्फ। ब्लड और लिम्फ। ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, बॉडी के जितने पार्ट्स है सबके लिए ब्लड जरूरी है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर मिनरल्स हैं, ब्लड के अंदर विटामिन्स है, ब्लड के अंदर हर वो चीज है जो बॉडी को जरूरी है, जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फैट है, प्रोटीन है, हार्मोन्स है, ठीक है, और अलग सब्सटेंसेस है, दूसरे दूसरे सब्सटेंस है, तो ये सब रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। ठीक है, तो अगर ये चीज अगर बॉडी को नहीं पहुंचेगी तो हमारी बॉडी की फंक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, फंक्शन जब कम हो जाएगी तो हम बीमार कहलाएंगे, हमारी बॉडी डिसीज होगी। तो ब्लड का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ब्लड को पहुंचाने के लिए जो मेन चीजें हैं वो क्या है? वो है आपका हार्ट। क्या है? आपका हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका हार्ट। ठीक है, कल हमने देखा था दो लंग्स के बीच में, ठीक है, ये लंग्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? हार्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका हार्ट है। ठीक है, ये लंग्स हो गए, ये आपका हार्ट है। तो इसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं, या फिर इसके अंदर कौन से वो ऑर्गन्स जो सर्कुलेशन के लिए, यानी खून को सर्कुलेट करने के लिए, सर्कुलेशन के मतलब गोल घूमना, ये घूमना, ठीक है, ये गोल घूमना, इसके ऊपर, इसके अंदर अब खून जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, ये चलते रहेगा, दिन भर चलते रहेगा। तो ऑर्गन्स कौन से हैं? एक है नंबर वन हार्ट। इसमें थोड़े चीजें भी हैं, क्या है इसको मदद करने वाले? आर्टरीज, ठीक है, वेन्स, ठीक है, तो इससे आपको हेल्प मिलते हैं। तो ये सब चीजों को मिलाकर हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज, वेन्स। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लंग से ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से सेल्स तक। तो ब्लड सर्कुलेशन से सेल तक पहुंचने के लिए जो वे है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम है जो बीच का रास्ता ये जो तय करने वाला है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या रहेंगे? हार्ट, आर्टरीज और वेन्स। तो ब्लड को पहुंचाना है कहाँ पे? सेल तक। तो सेल तक पहुंचाने के लिए आपको जो हेल्प करेगा ब्लड सर्कुलेशन से, ब्लड से लेकर सेल तक, वो है आपका हार्ट, आर्टरीज, वेन्स। अब लंग से जो ब्लड आया है ये ब्लड कहाँ जाएगा? आपके हार्ट में जाएगा। तो आइए अब हम हार्ट के बारे में थोड़ा जानेंगे, हार्ट के अंदर क्या क्या चीजें हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये हार्ट है, ठीक है, हर इंसान का हार्ट उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, आप अपनी मुट्ठी को रखें, तो आपका हार्ट इतना है, तो मेरा हार्ट इतना है,
तो सबका हार्ट उतनी स्पेस को यहाँ पे एक्वायर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसकी शेप भी देखिए आप, ये शेप है हार्ट, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं ये शेप है। पहले तो जानिए कि हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं, चार कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3। नाम हम आगे देखेंगे, मैं इजीली आपको समझ में आने के लिए। रूम नंबर 1 आने के लिए एक रास्ता होगा, ठीक है। रूम नंबर 1 से रूम नंबर 2 को जाने के लिए एक रास्ता होगा, फिर रूम नंबर 2 से बाहर निकलने के लिए एक बाबा रास्ता होगा। इसी तरह रूम नंबर 3 में आने के लिए एक रास्ता होगा, रूम नंबर 3 से रूम नंबर 4 आने के लिए एक रास्ता होगा, और रूम नंबर 5 से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना चाहिए। अब ठीक है, तो अब इस रूम को, ये हमारा ऊपर का और नीचे का फ्लोर समझिए, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर समझिए, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं एट्रियम। क्या नाम देते हैं? एट्रियम, ठीक है। अब ये राइट साइड है, ये आप देखिए राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो इसलिए हम कहेंगे राइट एट्रियम। ये लेफ्ट साइड है इसलिए लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब ये नीचे के रूम का नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चार रूम्स के नाम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गए इनके नाम। अब राइट साइड जो होगा, ब्लड जो यहाँ से ब्लड आएगा रूम नंबर 1 पे, जिसका नाम है राइट एट्रियम, वो कहाँ से आएगा? ये आएगा लंग्स से। बहुत गौर से सुनना, ठीक है। ये लंग्स से आएगा कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। लंग्स से आएगा यहाँ पर, और आपको सॉरी लंग्स बॉडी के निचले हिस्से से, बॉडी के ऊपर के हिस्से से आएगा, बॉडी से आएगा कहाँ से? अपर एंड लोअर, बॉडी के ऊपर के हिस्से से, सर हो गया, मुंह हो गया, गर्दन हो गया, उसके लिए आने के लिए एक रास्ता यहाँ पे है, ठीक है। फिर नीचे से आने के लिए एक रास्ता है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे रास्ता देते हैं, उसको कहते हैं आप सुपीरियर वेनेकेवा। ऊपर से जो आने वाला रास्ता है सुपीरियर, नीचे से आने वाले रास्ते को इंफीरियर वेनेकेवा, यानी ये रास्ता जिससे ब्लड आएगा, जो जाके रूम 1 पे खुलेगा, जिसका नाम है राइट एट्रियम, उसको हम कहेंगे बिल्कुल सुपीरियर वेनेकेवा एंड इंफीरियर वेनेकेवा, ठीक है। तो ये इनका नाम है, आप याद करिए उसको। सो ब्लड जो निचले हिस्से से ऊपर के हिस्से से जो आएगा वो राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से फिर ये दरवाजा खुला है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्राई कस्पिड वेल्व। क्या कहते हैं? ट्राई कस्पिड वेल्व, ठीक है। ट्राई कस्पिड वेल्व जब खुलेगा, खुलेगा तो ब्लड यहां से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद अब यहां से ये रास्ते से बाहर निकलेगा, जाएगा लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जाएगा। तो इस रास्ते को हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड निचले हिस्से से ऊपर के हिस्से से आया रूम नंबर 1 में, रूम नंबर 1 से फिर रूम नंबर 2 जाने के लिए एक रास्ता है, जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व के मदद से रूम नंबर 2 में आ गया, रूम नंबर 2 से अब बाहर निकलना है उसको, तो उसके लिए क्या रास्ता है? उसका रास्ते का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। जाएगा कहाँ? लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद वो लंग्स उसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड से हो, बॉडी से होगा, वो लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड,
जिसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। कहेंगे डी ऑक्सीजनेटेड, डी माने ना होना, ऑक्सीजन ना होना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपको कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स में जाएगा, वो लंग्स पे जाएगा, ठीक है। लंग्स में जाकर लंग्स में अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन अब लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन जो मिला हुआ ब्लड है उसको कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी निकाल दो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब लंग्स से फिर रूम नंबर 3 में आएगा, जो रास्ते से आएगा उस रास्ते का नाम है पल्मोनरी वेन। जिस रास्ते से आएगा उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। किस में आएगा, रूम नंबर 3 में, जिसका नाम है राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम। वहां से रूम नंबर 4 आने के लिए एक रास्ता है जिसको हम कहेंगे बाइकस्पिड वैल्व या फिर मिट्रल वैल्व, ठीक है। वहां से रूम नंबर 4 आएगा, रूम नंबर 4 में से फिर पूरे बॉडी को जाने के लिए एक रास्ता है, वो रास्ते को हम कहेंगे आयोटा। क्या कहेंगे, आयोटा, यहाँ देखिए आयोटा, AORTA, आयोटा। आयोटा से पूरे बॉडी में चले जाएगा अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये हार्ट का आपको समझ में आ ब्लड गया, ब्लड हमारे बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में जाएगा। जाएगा कैसा, यहां तक तो समझ में आ गया, हार्ट में आ गया खून, ब्लड आ गया, हार्ट से बॉडी को जा रहा। अब जाने के लिए जो रास्ते हैं और आने के लिए जो रास्ते हैं, जाने वाले रास्ते को आर्टरीज कहेंगे और आने वाले जो रास्ते हैं उसको कहेंगे वेन्स। और हाँ आर्टरीज से जो बड़ा है, साइज में अगर बड़ा होगा जो रास्ता उसको कहेंगे आयोटा, और वेन से अगर बड़ा होगा तो वेना केवा, वेना केवा बड़ा होगा, वेन्स, वेना केवा से थोड़ा छोटे वेन्स होंगे, आयोटा से थोड़ा छोटा आर्टरीज होंगे, आर्टरी से जो छोटे होंगे वो आर्टीरियोल्स होंगे, आर्टीरियोल से जो छोटे होंगे वो कैपिलरीज, ठीक है, वेन से जो छोटे होंगे वेन्यूल्स, वेन्यूल से जो छोटे होंगे वो कैपिलरीज। तो इस तरह हार्ट, हार्ट से आयोटा, वेना केवा, आर्टरीज वेन्स, आर्टीरियोल्स वेन्यूल्स, देन कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है सेल से मिले हुए होंगे, ठीक है, कैपिलरीज जो है आपके सेल से मिले हुए होंगे। फिर वापस उसी तरह ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज में आएंगे, कैपिलरीज से फिर वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन्स, वेन से वेना केवा, वेना केवा से हार्ट, फिर हार्ट से आयोटा, आयोटा से आर्टरीज, आर्टरी से आर्टीरियोल, आर्टीरियोल से कैपिलरीज, कैपिलरी से सेल। तो ये सर्कुलेशन चलते रहेगा, देखिए इसीलिए इसको कहा गया सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गया ये, बस इतना समझना है। अब बहुत सारे नेम्स हैं, मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, बस इतना अगर याद रख लिए तो बहुत बहुत आपको आगे के जो फर्दर क्लासेस है उसमें आपको इजी हो जाएगा। तो कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं।